इंडियन आइडल के एक कंटेस्टेंट को बॉलीवुड में लॉन्च किया है संजय लीला भंसाली ने। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आरजे मोनिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम है फिल्मी मोनिका। तो चलिए बात करते हैं इंडियन आइडल की, जो कि टेलीविजन की दुनिया के सबसे पुराने और सबसे हिट रियलिटी शो में से एक है। आज अपने सीजन 12 में है ये शो, लेकिन क्या आपको याद है सीजन 1 जिसमें अमित सना थे, अभिजीत सावंत थे, राहुल वैद्य थे। एंड लेट मी टेल यू कि सिर्फ श्रेया घोषाल को ही नहीं, एक इंडियन आइडल कंटेस्टेंट को भी संजय लीला भंसाली ने बॉलीवुड में लॉन्च किया है। और ये कंटेस्टेंट सीजन 1 में से ही है। गेस करिए नाम, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, इंडियन आइडल 1 में 6 नंबर पे रहने वाली अदिति पॉल को बॉलीवुड में लॉन्च किया था संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में। यस, उस फिल्म का एक सुपरहिट सॉन्ग अंग लगा दे रे, ये गाना इंडियन आइडल 1 की कंटेस्टेंट अदिति पॉल ने गाया है। इस गाने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, और वो कहानी ये है कि संजय लीला भंसाली साहब अपनी आर्ट और म्यूजिक को लेके काफी पर्टिकुलर हैं। ये गाना उन्होंने बहुत सारे सिंगर्स की आवाज में ट्राई किया था, लेकिन उनको पसंद ही नहीं आया। ऐसे में एक दिन अदिति पॉल के मैनेजर ने इस गाने का जो अंतरा है वो अदिति पॉल की आवाज में संजय लीला भंसाली को भेजा, और वो अदिति पॉल की आवाज सुन के मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने ये फैसला ले लिया कि अदिति पॉल को वो इस गाने के साथ बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडियन आइडल 1 में आपके सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन थे, और कौन है आपका सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट इंडियन आइडल 12 में। कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।